ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 9.2 याद है सबको? राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ठीक है, राज विद्या मतलब विद्याओं का राजा है, जो नॉलेज, जितने भी नॉलेज हैं, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो चाहे वेद हो चाहे ग्रंथ हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपने सुना है आज तक, उन सब का क्या है, ये राजा है। विद्या इज, ये राजा है, टॉप मोस्ट किंग ऑफ द नॉलेजेस, किंग है ये जितने भी ज्ञान है। और राजगुह्यम एकदम कॉन्फिडेंशियल है, टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, ये किसी को नहीं मालूम है, कोई नहीं बता सकता ये ऐसा नॉलेज है, सीक्रेट है, बहुत ज्यादा सीक्रेट है। और पवित्रम, पवित्र है, सबसे प्योरेस्ट ऑफ द नॉलेज। ऐसा नहीं है, नॉलेज तो बहुत सारे हो गए, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्योर है। और इदम उत्तमम सबसे उत्तम है, टॉप मोस्ट कैटेगरी का नॉलेज है, टॉप मोस्ट कैटेगरी से ऊपर और कुछ भी नहीं है। कोई कुछ भी बोल ले, अरे ये पढ़ लो वो पढ़ लो, है ना, अरे हमारे गुरुजी की वाणी सुन लो, हमारे ना, अरे अब इस संप्रदाय में आ जाओ उस संप्रदाय में आ जाओ, अरे तुमको मालूम नहीं यहाँ यहाँ ये लिखा है वहाँ वहाँ वो लिखा है। अरे जहाँ जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन ये टॉप मोस्ट है, उत्तमम, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। जैसे 7.7 में भगवान बताते हैं ना, मत पर तरो पाया न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय, मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा इव। मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, मत पर तरो पाया न किश्चित अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है, मेरे जितना भी नहीं है कोई, सब चीजों में मैं हूं। जैसे एक माला में सारे मोतियों पिरोए जाते हैं, वैसी मुझ में ये सारा कुछ संसार पिरोया हुआ है, मैं हूं हर चीजों को जो अपने ऊपर धारण करता हूं। ठीक है, तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हम जो है ना इसमें पढ़े थे हमने, यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, क्योंकि यह आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है ना। इसको पढ़ने से एक नॉलेज आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और आत्मा की आइडेंटिटी अलग कैसी रहती है, आइडेंटिटी आत्मा अपनी हमेशा बना के चलता है, कभी भी आत्मा कभी भी, जो बता रहे ना अघुलनशील है, हमने पढ़ा ना दूसरे अध्याय में, आत्मा अघुलनशील है, अविनाशी है, अप्रमेय है, और क्या क्या है, सब सब हमने गुण सुना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते आत्मा में, अनादिकाल से अनंत तक ये ऐसे ही रहेगा, उसका स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है, वेरी इंपॉर्टेंट, धर्म का सिद्धांत है। धर्म्यम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो हमने इसमें काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, फर्स्ट पेज हो गया था हमारा। ठीक है, जिस ये हम जो है ना अप्रारब्ध वाले, इसको भी कर लिए थे हमने। अब इसके बाद जो है ना 328 का नीचे की दो लाइन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इस इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया कि जो व्यक्ति बिना किसी अपराध के श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यदि नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। तो इसमें ये लिखा है, ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम भगवान के नामों का स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, हम ऑटोमेटिकली एक दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं और अपने आप को शुद्ध समझने, शुद्धता अपने अंदर फील करते हैं। क्या ये सच है? क्या हम कीर्तन करके पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले डिफरेंस फील करते हैं? क्या हमारे अंदर ये भाव आना चालू हो गया है कि हम एक आत्मा हैं, हम एक शरीर नहीं हैं? क्या हमारे अंदर ये भाव आने लग गया है कि मैं शुद्ध हो गया हूँ, अब जो है ना भौतिक कलमश जो है ना उनसे मैं परे हो रहा हूँ? क्या ये भाव आने लग रहा है? इन दोनों का अर्थ क्या है? इन दोनों का अर्थ ये है, एक जो भौतिक व्यक्ति है जिसको, जो आपके सामने रहता है, आप उनको देख के ये फील करते हो कि ये लोग कितने बेचारे परेशान हैं, इन लोगों को इतना भी नहीं मालूम है कि इस शरीर, इस जन्म मृत्यु चक्र से निकलने का माध्यम ये हरे कृष्ण महामंत्र है। इनको कैसे कोई समझाए? कब तक इसी जीवन में यहीं पे फंसे रहेंगे? ये आता है कि नहीं भाव सबको देख के? कोई अगर गंदा कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है, कुत्ते के साथ दिन भर रह रहा है, दारू पी रहा है, तो ये भाव आता है कि नहीं ये कितना परेशान होने वाला है ना, ये कितना अशुद्ध हो रहा है ये सब खा पी के? एक श्लोक आता है, वो कौन सा श्लोक है मैं भूल रहा हूँ, जिसमें लिखा है कि जो शास्त्र के विरुद्ध काम करता है ना उसको सुख मिलता है ना। ये 16.23 है ना, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारात न सा सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। 16.23, जो शास्त्र के विरुद्ध काम करता है, शास्त्रों के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता है, मतलब विकर्म करता है ना, जो शास्त्र में नहीं करने के लिए कहा गया है वो करता है, मतलब विकर्म करता है, मतलब पाप करता है, वो उसको कोई सिद्धि नहीं मिल सकती, ना उसको सुख मिलेगा, ना आगे की उसकी परम गति प्राप्त होगी, है ना। उसको ना इस संसार में सुख मिलेगा, ना आगे आने वाले जीवनों में उसको सुख मिलेगा, उसका पूर्ण रूप से जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो हम देखते हैं, ये फील करते हैं कि नहीं करते हैं? जो लोग बेचारे गलत काम कर रहे हैं अज्ञानतावश, उनको ये ज्ञान नहीं है कि क्या खाने से, क्या करने से क्या गति होती है, अज्ञानतावश भटक रहे हैं और ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो इस स्थिति में उनकी क्या गति होगी, ये लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। हम भी ये सोचते हैं कैसे इन लोगों को समझाएं, कैसे बताएं कि भैया ये सब छोड़ो, गलत काम मत करो, फंस जाओगे नहीं तो इस माया के चक्र में, है ना। भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ी मायाया। यंत्र के रूप में जो हमारे पास शरीर है ना, माया के शक्ति से भगवान भ्रमित करके घुमा रहे हैं यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां, माया की शक्ति से। माया शक्ति है भगवान की और उस शक्ति के द्वारा हम भ्रमित होके घूम रहे हैं बस खाली, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी मेरा अपना है ये, कभी मेरा पराया है, हैं इसमें सुख है उसमें दुख है, मैं अपने सुखों को कैसे बढ़ा लूं, मैं अपने मन को कैसे संतुष्ट कर लूं, मैं कैसे और अपनी प्रगति कर लूं, मैं कैसे और बड़ा भोक्ता बन जाऊं, मैं कैसे इन सब चीजों पे प्रभुत्व जमाऊं, मैं कैसे अपने कंट्रोल को और स्थापित करूं, मेरा नाम यश कैसे हो। ये सब माया जो है ना घुमा रही है हमारे को। क्या जाएगा साथ में? कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं कहीं छूट जाएगा। फिर दोबारा जो है ना फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये माया का खेल है। और ये हमको सब, हम इस ज्ञान के बाद हम ये समझ पाए कि ये सारी चीजें ऐसे काम करती हैं। जीवन और जीवन के बाद की स्थिति के बारे में भी विचार होता है ना। इस जीवन से हम आने वाले कल का निर्माण करते हैं। इस जीवन से, इस जीवन, ये मनुष्य देह हमको मिला है कि हम आने वाला हमारा जो अनेकानेक जन्म है उसका उद्धार कैसे कर सकते हैं। ये जीवन खाली खाने पीने और इन सब के लिए नहीं लिखा, वेगों के लिए लिखा। एक आता है चैतन्य चरितामृत में, श्लोक आता है अंत लीला में 6.227। इसमें कहते हैं जीवार लाल से एति अतिधाय शिष्णोदर परायण परायण कृष्ण नाही पाए। मतलब जो अपनी जीभ का दास है और जो इस प्रकार इधर उधर घूमता रहता है एवं अपने जननांग तथा पेट के प्रति समर्पित होता है, वह कृष्ण को नहीं पा सकता है। क्लियर कट कहा गया है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने लिखा है चैतन्य चरितामृत। और चैतन्य चरितामृत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं, पूरी उनकी जीवनी है जो उनको ऑटोमेटिकली स्फुरित हुई थी, तो उन्होंने पूरा ये लिखा था, है ना। तो ये इसमें कहते हैं कि जो अपने जीभ का दास है, जो अपने जननांग का दास है और जो पेट के कारण इधर उधर खाली घूमता रहता है, उसको कभी कृष्ण नहीं मिल सकते। क्या ये भक्ति में आने के पहले मालूम था? किसी को कोई बोल सकता है अरे प्रभु जी मेरे को तो सब मालूम था? हमको तो ये तक नहीं मालूम था कि ईश्वर परम कृष्णा, कृष्ण सबसे बड़ा ईश्वर है, ये भी नहीं मालूम था हमको। तो ये भी नहीं मालूम था कि सिर्फ नाम लेने से हमारा उद्धार हो सकता है, सारे पापों का कष्ट नष्ट कैसे हो सकते हैं, सिर्फ विष्णुर आत्मनः। कल पढ़े हमने अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुखम क्रमणेव ही प्रलियंते विष्णुर भक्ति आत्मनः। कैसे कैसे विष्णु की भक्ति करेंगे, वैसे वैसे क्रम के, क्रम वाइज हमारे सारे जो है ना पाप कट जाएंगे क्रम के अनुसार। पहले सबसे पहले अप्रारब्ध कटेगा, फिर कटेगा अप्रारब्ध फलम पापम कटेगा, फिर कूटम कटेगा, फिर बीजम कटेगा, फिर आखिरी में जाके फलेन मुखः, जो प्रारब्ध है जो चल रहा है वो कटेगा। और इस प्रकार हम अपने पाप और पुण्य से मुक्त होके हमारा पूरा अप्रारब्ध जो है उसको जला के नष्ट करके डायरेक्ट हम फिर भगवान के भगवत धाम में जा सकते हैं। क्या ये ज्ञान पहले था? नहीं था। जैसे जैसे भगवत गीता और भक्तों का संग मिलता है, वैसे वैसे ये ज्ञान ऑटोमेटिकली हृदय में स्फुरित होता है। इसका अनुभव होना चालू हो जाता है। अनुभव, हम इसको फील करते हैं कि मेरा एक एक काम किस प्रकार मेरे आगे की भविष्य को निर्माण कर रहा है। अगर मैं गलत काम करूंगा तो ये बहुत तकलीफ देने वाला है मेरे को। ठीक है, आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। खाली इसको करना मात्र है, करने से डायरेक्ट होता है। अच्छा, इसमें और एक और चीज लिखी थी कि प्रचार करना जो होता है ना, कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करना, तो उससे और फास्ट आदमी जो है ना इन पापों को काट सकता है। ये बड़ा अच्छा जो है ना ये कोटेशन है श्रील प्रभुपाद का। ऐसा नहीं है, भगवान ने भी आखिरी 18वें अध्याय में कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है ना, मैं वो मुझे बड़ा प्रिय है। 18वें अध्याय में है, पता नहीं 60 या 50 के आसपास कौन सा श्लोक है, मैं भूल रहा हूँ। तो उसमें भगवान कहते हैं जो इस भगवत गीता के ज्ञान को सुनता है, पढ़ता है और बताता है, तो मेरे को वो बड़ा प्रिय है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। वेदांत सूत्र 3.2.26 में भी इसका वर्णन प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसको समझ पा रहे हैं क्या लिखा है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हो जाता है। मतलब ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? सिर्फ चैंटिंग करने से हो जाएगा। बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, भागवतम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को सिर्फ चैंटिंग में विश्वास है तो वो सिर्फ चैंटिंग करते करते उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। अगर किसी को विग्रह सेवा पसंद है तो वो विग्रह सेवा करते करते ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। किसी को मंदिर में भक्तों की सेवा करने का अच्छा लगता है तो वो करते 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 ऑटोमेटिकली ये ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज कही गई है। मतलब ये ज्ञान जो है ना, ये आजकल का जो भौतिक कहा जाता है कि पढ़ो, समझो, लिखो, ये करो, वो करो, तब याद होगा। श्लोक लोग याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये सब मुंह से निकलना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी शरणागति बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा भक्ति बढ़ेगी, साधना बढ़ेगी। तो इसी का जो है ना मतलब प्रमाण देने के लिए नारद जी का एग्जाम्पल दिया गया है। तो नारद जी के पिछले जन्म का वर्णन है, और पिछले जन्म में नारद जी जो है ना, वो एक दासी के पुत्र थे। ठीक है, जो कि दासी थी, और उनको ना दासी थी और वो सेवा करती थी। एक समझ लीजिए आजकल के जैसे विश्राम गृह, धर्मशाला, ऐसी जगह में वो सेवा करती थी वहाँ पे। और चतुर्मास का समय आया था, जिस समय वहाँ पे साधु लोग आते थे। चतुर्मास में एक्चुअल में साधु लोग ट्रैवल करना बंद कर देते थे, जहाँ पे पहुँचते थे वहीं पे रुक जाते थे 4 महीने के लिए, और वहीं पे अपनी भक्ति साधना करते थे। तो इस प्रकार उस धर्मशाला या जो आप समझ लो, वहाँ पे उनको मौका मिला कि उनको ना सेवा, उनके यहाँ काफ़ी सारे साधु आ गए और उनकी सेवा करने का मौका मिला नारद जी की माता जी को, जो कि दासी थी। तो वो उनको सारा सेवा करती थी, खाना पीना, खिलाना, सुलाना, सारी चीज़ें करती थी। और नारद जी को भी मौका मिला पिछले जन्म में, जो कि दासी के पुत्र थे और छोटे से बालक शिशु के रूप में थे। वो उनके साथ बैठे रहते थे और उनके बातें सुनते थे, हरि चर्चा में पूर्ण रूप से बैठे रहते थे। उनका उचिष्ट, जो प्लेट में उनका भोजन थोड़ा बहुत बच जाता था, वो उनकी परमिशन लेके ग्रहण करते थे। जो साधु थे उनकी परमिशन लेके जो उनका बचा हुआ भोजन है वो ग्रहण करते थे, और इस प्रकार उनके हृदय के सारे कलमश दूर हो गए। उनके हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित हो गया कि मेरे को करना क्या है। और इत्तेफाक से कुछ काल बाद उनकी माता का निधन हो गया, जबकि वो शिशु ही थे। बाल्यावस्था में ही उनकी माता का निधन हो गया, और वही एक उनका आधार थी, वही एक उनको जो है ना पालती पोसती थी, और कोई था ही नहीं। इस प्रकार इस बालक के मन में आया, क्या पता भगवान ने मेरे कुछ भले के लिए ही ये कार्य किया है, इसमें भी भगवान की लीला है। सोचो, उनकी माँ गुजर गई और ये बोल रहे हैं इसमें भी भगवान की कोई लीला है। ये ज्ञान कहाँ से आया? ये सिर्फ उचिष्ट खा के और साधुओं का संग करके आ गया, और वो भी कितने, एक छोटे से बालक के हृदय में आ गया। ठीक है, उचिष्ट खाते खाते फिर जैसे जैसे उनको ये चीज और समझ में आई, वो बढ़ चले, ऐसी जगह जहाँ वो भगवंत को प्राप्ति कर सकें। वो जंगलों की तरफ निकल गए तपस्या करने के लिए, फिर एक जगह ढूंढी, एक जगह जहाँ ठीक लगी वहाँ बैठ के भगवान का नाम का उच्चारण करने लगे और भगवान को याद करने लगे। जैसे जैसे याद करने लगे उनके हृदय में धीरे से भगवान ने अपना दर्शन भी करा दिया उनको, और उनको ये बताया कि हे नारद, जो भी उनका नाम रहा होगा, बोले अब इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे बड़े निकट और बड़े जो है ना सेवाधार बन जाओगे, मेरे पास आओगे। तो ये ज्ञान मिल गया उनको, मैसेज आ गया, और इस प्रकार धीरे 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 उन्होंने तपस्या करते करते फाइनली अपना भी देह छोड़ दिया। और फिर अगले जन्म जो उनको मिला वो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में नारद मुनि आए और भगवान के एकदम खास बन गए। दिन रात नारायण 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 नाम जपते जपते तीनों लोकों में भ्रमण करने की शक्ति मिली उनको। इस प्रकार सिर्फ वैष्णव की सेवा, उचिष्ट और नाम का ये जो जप है, इससे आदमी की कितनी बड़ी उन्नति हो जाती है, क्या से क्या बन जाता है। तो मैंने आपको 2-4 श्लोक बताए थे, है ना, आपने सबने पढ़े होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। मैं फटाफट रिसाइट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। 1.5.23 से लेके 35 तक, है ना, सिर्फ अनुवाद पढ़ लेता हूँ। वन पॉइंट फाइव पॉइंट 23 इसमें कहते हैं, हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र में रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांत के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। फिर 24 में, यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेलकूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। ये देखो, ये सारी क्वालिटी थी, तभी जाके उनको कृपा मिली। भगवान ने भी पहले श्लोक में बताया अर्जुन को, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, अनुसूयवे बताया है पहले श्लोक में, इसीलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं। तो ये ज्ञान अर्जित करने की एलिजिबिलिटी होती है। फिर आगे कहते हैं, उनकी अनुमति से मैंने मात्र एक बार उनका जूठन ग्रहण की और ऐसा करने से मेरे समस्त पाप तुरंत नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैंने उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से श्री भगवान के विषय में प्रति क्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। हे महामुनि, जैसे ही मुझे श्री भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, मेरा ध्यान श्री भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया। और जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, मुझे अनुभव हुआ कि मुझे अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि श्री भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। ये देख रहे हो, खाली उनकी कृपा से ये ज्ञान हो गया कि मैं ये स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को जो मैंने स्वीकार किया है, ये एक्चुअल में नहीं हूं मैं तो भगवान का दिव्य अंश हूं, है ना। ये उनको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों ने से भगवान श्री हरि की निर्मल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए, तीनों गुणों से ऊपर उड़ गए वो, है ना, रजोगुण और तमोगुण के, सतोगुण में प्रवेश कर गए। मतलब मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। तीन दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जो स्वयं श्री भगवान द्वारा निर्देशित है। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों को सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वान द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपचार यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा को में समर्पित कर दिया जाए। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या उपचारात्मक विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे वह रोग उत्पन्न हुआ है? इस प्रकार जब मनुष्य के समस्त कार्यकलाप श्री भगवान की सेवा में समर्पित हो जाते हैं, तब वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन का कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। इस जीवन में श्री भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। तो श्री भगवान की तुष्टि के लिए जो भी किया जाता है उसी को ही सिर्फ प्रेमा भक्ति कहते हैं और उसी को ज्ञान कहते हैं। इसीलिए यहाँ अध्याय में ज्ञान का अर्थ भक्ति होता है। ठीक है, तो ये हुआ श्री नारद जी का रियलाइजेशन। एक श्लोक आता है 1.2.26, है ना, वही लिखा है नीचे जो तत्रान्वहम, वो वाला श्लोक है 2.26, नहीं ये 2.26 ये नहीं है, 1.2.26 इसको मैं पढ़ रहा हूँ। मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होता है और सबका सम्मान करता है, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करता है। तो ये सब क्लियरिटी आ जाती है कि किस प्रकार हम देवताओं की पूजा को छोड़ें और सिर्फ श्री भगवान श्री कृष्ण उनकी पूजा में तल्लीन हो, है ना। वो ये सारी चीजों से परे हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे को भगवान की तुष्टि के लिए ही करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार नारद जी का पूरा विवरण हुआ यहाँ पे। तो नारद जी की स्टोरी पूरी आ गई यहाँ पे। इसके बाद जो है ना पेज नंबर 330 में धर्म्यम, सेकंड जो पैराग्राफ है धर्म्यम में यहाँ पे प्रवेश करते हैं। धर्म्यम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ, है ना। तो धर्म के लिए एक श्लोक आता है 1.2.6 जिसका वर्णन नीचे थोड़ा सा एक लाइन लिखा है, मैं पूरा श्लोक पढ़ रहा हूँ आपके लिए। 1.2.6 सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की प्रतिहता ययात्मः सुप्रसीदति। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। धर्म का डेफिनेशन बताया गया है कि धर्म क्या है ना। स वै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षजे कौन है? भगवान है ना, उनका नाम है। और अहेतु की होनी चाहिए, अहेतु की प्रतिहता मतलब अहेतु की होनी चाहिए, एक तो निस्वार्थ, और प्रतिहता मतलब अखंड होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। और ययात्महा सुप्रसीदति, मतलब जिससे आत्मा का प्रसन्न हो, आत्मा की तुष्टि हो। ऐसी ऐसी भक्ति अहेतु की और अखंडित जो होती है ना भक्ति, जिससे आत्मा प्रसन्न हो, उसको धर्म कहा जाता है। और वो किसके प्रति होनी चाहिए? अधोक्षजे, मतलब कृष्ण के प्रति होनी चाहिए, भगवान के प्रति होनी चाहिए। ठीक है, इस पैराग्राफ में कहते हैं धर्मम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ। बालक नारद को भी यह सुअवसर प्राप्त हो सका कि वे भक्तों की संगति करने में ही समस्त धर्मों का परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य भक्ति, जैसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, स वै पुंसाम परो धर्म यथा भक्तिर अधोक्षजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म की परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। सामान्यतः ये व्यक्ति नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझने की बात है। सामान्यतः लोग जानते ही नहीं है कि धर्म है क्या। दिया अगरबत्ती करते हैं, मंदिर में चले जाएंगे, नारियल चढ़ा देंगे, देवी जी को प्रसन्न करेंगे, बस हो गया। बोले धर्म का कार्य किया भैया हमने, ये धर्म नहीं है, ये कोई भक्ति नहीं है, ये खाली जो है ना बिजनेस है। आपने डीलिंग की, जहां जा रहे हो वहां जाके क्या बोल रहे हो? धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, यही तो बोल रहे हो। और क्या आप अपनी बस डिमांड करे जा रहे हो, मेरे को ये दो भगवान, वो दो, ये दो, वो दो, ये दो, वो दो। ये सब नहीं है, ये मांगते रहने से भिखारी हो जाएंगे हम। भिखारी भिखारी मांगता है, सबसे बड़ा भिखारी कौन? जो सबसे ज्यादा पैसे वाला है, जो सबसे ज्यादा पैसा मांग रहा है भगवान से, वो सबसे बड़ा भिखारी है। जो सबसे कम पैसा मांग रहा है वो सबसे छोटा भिखारी है। तो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनसे बड़ा भिखारी भी कोई नहीं। वो भिखारी ज्यादा हैं, बड़े भिखारी हैं। तो हमको समझना चाहिए कि हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, न कि अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करना। हाँ, एक और ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये तो हमने पढ़ा 8.28 में। जैसे कि हम पहले 8वें अध्याय में अंतिम श्लोक में व्याख्या कर चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव, हमने पढ़ा कि वेद अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दान, सारे फल किसको मिल जाते हैं? ऐसे ही मिल जाते हैं भक्त को। जो भक्ति करता है उसको वैसे ही सारे धर्म इन सब सारी चीजों का पुण्य मिल जाता है। सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्यों में मिलती है। तो ये एक छांदोग्य उपनिषद का वर्णन आया है इसमें, जो ये आचार्यवान पुरुषो वेदा लिखा है ना, महान आचार्यों की संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो, है ना। वेदों का अध्ययन न भी किया हो, अशिक्षित भी हो, तो भी वो आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार कर लेता है। उसको जरूरत नहीं है पढ़ने लिखने की। हमारे गुरु संप्रदाय में आए गौर किशोर दास बाबा जी, है ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? गौर किशोर दास बाबा जी जो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, मेरे ख्याल से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के गुरु थे, राइट, जिन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा था कि तुम जाके उनको अपना गुरु बनाओ। वो गुरु बना नहीं रहे थे, वो बड़े एकदम ना, ऐसी छोटी सी कुटिया थी मेरे ख्याल से, वो बहुत गरीबी टाइप से रहते थे, कोई उनको जानता नहीं था, कोई बहुत ज्यादा, मतलब वो जो ऐश्वर्यवान वाला ऐसा नाम प्रतिष्ठा वाला नहीं था कोई भी उनके साथ, बहुत नीचे की स्थिति में थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बड़े स्कॉलर थे, पढ़े लिखे थे, संस्कृत के स्कॉलर थे। उनको जब बोला गया तब वो गए उनके पास शिक्षा लेने। और सोचो जो अनपढ़ आदमी है वो शिक्षा गुरु, वो ऐसा शिष्य बना रहा है जो कि एक बहुत बड़ा स्कॉलर। तो ये होती है आध्यात्मिक ज्ञान का फ्लो। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे को, ठीक है? दिया प्रभु जी, ये यही है ना यहाँ पर दिया? हाँ हाँ हाँ, राइट 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 राइट, यही है, यही है। जो हमारे गुरु परंपरा का फोटो है पीछे, वहां पे क्लियर कट लिखा है, दिख रहे हैं वहां पे, आप सब देख सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया धर्म्यम। धर्म ऑटोमेटिकली, धर्म क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का जो मार्ग है उसको धर्म कहते हैं। और चाहे वो अशिक्षित हो चाहे शिक्षित हो, वो कोई भी कर सकता है और किसी के अंडर में रह के बहुत इजीली ये प्राप्त किया जा सकता है। और आगे कहते हैं सुसुखम, भक्ति योग अत्यंत सुख कारक है, सुसुखम है ना? तो ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है। यह प्रमाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान का के दार्शनिक भाषण सुन सकते हैं। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उचिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है, मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। तो देखो कितना डिटेल में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये सुसुखम है, बहुत इजी से किया जा सकता है। हमारे को कोई जरूरत नहीं है एकांत में जाके बैठने की, अपना मन मारने की, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करने की, अपने यहाँ पे भवों के मध्य में एकांत में ध्यान करने की, प्राण के सारे कुंडलिनियों को जागृत करने की। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मजे करो, एकदम प्रसाद खाओ, भोग भोग लगाओ बस भगवान को और ग्रहण करो। क्या 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 नहीं खाते हमारे देश में, पास्ता भी खाते हैं तो चाउमीन भी खाते हैं, तो पनीर चिल्ली भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं, फ्राइड राइस भी खाते हैं, जलेबी भी खाते हैं, गुलाब जामुन भी खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं? कोई चीज का त्याग नहीं करना है, जीवन से कुछ बाहर नहीं करना है, लेकिन सब कृष्ण को अर्पित करते हुए करना है। डांस भी करते हैं, जिसको डांस करना है ये ऊंचा कुचा के हरि बोल जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव करते रहते हैं। कीर्तन करते हैं, जोर जोर से कीर्तन करते हैं, मृदंग बजा रहे हैं जोर जोर से, मजा आ जाता है। तो बहुत सुखम है, इसमें क्या तकलीफ है? इसको करने में तकलीफ है, प्रसाद खाने में कोई तकलीफ होती है क्या? कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इंद्रियों को मारना अपने आप में बहुत बड़ा तकलीफ काम है, मन को मारना बहुत बड़ा तकलीफ है। यहाँ मन को मारना ही नहीं आपको, सुसुखम इजीली, डांस भी करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, जो करना है करो, इजी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुसुखम, बस इसमें क्या एक इम्पॉर्टेंट है, श्रद्धा इम्पोर्टेंट। श्रद्धा रहेगी भगवान के ऊपर और फिर जो करेंगे सारा कुछ भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, इजी वे में भक्ति हो जाती है हमारी, ठीक है? और कह रहे हैं भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रयच्छति। तो 9.26 श्लोक है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अभी आएगा धीरे धीरे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तिर उपहृतम अश्नामी प्रयत आत्मनः। मतलब जो भक्ति के साथ मेरे को ये चार चीज अर्पित करता है। पत्रम मतलब पत्ते, पत्रम पुष्पम फूल, फलम और तोयम फल, और तोयम मतलब कोई भी लिक्विड जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, कुछ भी अर्पित कर दिए तो ये सारी चीजें भगवान स्वीकार कर लेते। तो एक गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी कर सकता है ये काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसा डिमांड नहीं है कि मेरे को ना तुम एक काम करो जो है काजू कतली ही चढ़ाओ, है ना, और उसमें भी एक काम करो थोड़ा सा और महंगी वाली चीज होती है वो लेके आओ, उसमें थोड़ा सा और अच्छे से उसकी गार्निशिंग की होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, डब्बे अच्छे होने चाहिए, ऐसा तो नहीं बोल रहे भगवान, कुछ नहीं बोल रहे, खाली आप ये चार चीज दे दो हम मैं स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान को कोई जरूरत नहीं है ज्यादा ये सब चीजों की। तो बड़ी इजी है भगवान की, खाली भाव भगवान देखते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। तो एक हमारे ना श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे गौर गोविंद दास प्रभु, है ना, गौर गोविंद दास प्रभु थे। वो क्या कहते थे, बाय चैंटिंग यू कैन नॉट रीच गॉड, बाय चैंटिंग यू कैन नॉट रीच गॉड बट इफ यू बिलीव गुरु देन यू कैन रीच गॉड। गुरु के शब्दों में आदमी को विश्वास, फेथ होना चाहिए कि हाँ मेरे गुरु बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। तो एक भद्रिका आश्रम में जब प्रभु श्री राम पहुंचे ना वनवास के दौरान, तो भद्रिका आश्रम में कौन वहां पे गुरु थे, क्या नाम था उनका, किसी को याद है क्या? संदीपनी नहीं, संदीपनी नहीं थे, क्या ऋषि मतंग? नहीं नहीं, मतंग तो वहां थे जो तुम्हारी जो थी ना, जो शबरी थी, शबरी वाले ऋषि थे मतंग, वो नहीं थे। जो भद्रिका आश्रम जब गए थे, जब उन्होंने वो ऋषि जो है ना वहां उनसे पूछा था कि मैं अब कौन से डायरेक्शन में बढ़ूं, मेरे को कहाँ चलना चाहिए, 14 साल का वनवास जो है ना मेरे को कहाँ कहाँ बिताना चाहिए, तब उन्होंने ये डायरेक्शन बताया था कि चित्रकूट होते हुए तुम महाराष्ट्र होते हुए नासिक जाओ, इस प्रकार का रास्ता बताया था भद्रिका आश्रम में। वहां पे मेरे ख्याल से वशिष्ठ थे, पता नहीं कौन थे, वशिष्ठ नहीं थे कोई और थे, मैं भूल रहा हूँ। तो वहां जब पहुंचे भद्रिका आश्रम में, तब वहां उनका शिष्य ना वो राम 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 नाम जप रहा था। उनको बोला था उनके गुरु ने कि तुम राम का नाम जपो और जपते जाओगे तो एक दिन स्वयं भगवान श्री राम आपके पास आ जाएंगे। तो जब भगवान सामने आए उसके, वो राम राम नाम जप रहा था, तो वो देखा उन्होंने राम को, सिर्फ भगवान को नाम इसलिए जप रहे थे क्योंकि उनके गुरु का ये कहना था और उनको पूरा विश्वास था गुरु के ऊपर। तो जब भगवान श्री राम आए उनके सामने, तब भगवान वो अपना नाम ही नाम जप रहा था। तब लक्ष्मण ने बोला, प्रभु आप खड़े हो, इसको मैं उठाऊं क्या, ये तो एकदम भक्ति में लीन है, आप ही का नाम ले रहा है और आप सामने खड़े हो, आपको देख भी नहीं रहा। तो प्रभु श्री राम क्या बोलते हैं लक्ष्मण को कि इसके हृदय में मेरा स्वरूप इसको दिख रहा है, इसलिए ये उसी का चिंतन में लगा हुआ है। तो प्रभु श्री राम ने क्या किया, उसके हृदय में अपने स्वरूप को बंद कर दिया। अचानक से वो जब बड़े आनंदमय स्थिति में था, अपने अंदर परमात्मा के साथ वो बैठा हुआ था, बढ़िया लगा हुआ था भक्ति में, तो अचानक से प्रभु ने अपना स्वरूप वहां से हटा लिया। तो एकदम से ऐसे चौंक गया, ये क्या हो गया। फिर आंख खुली, अरे तो स्वयं सामने आ गए, ये तो प्रभु मेरे जिनका मैं चिंतन कर रहा हूँ वो मेरे सामने खड़े हो गए। तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया वो भक्त, शॉक हो गया। फिर जो है ना दौड़ के अंदर गया उधर भद्रिका आश्रम में अपने गुरु के पास। सोचो प्रभु श्री राम खड़े हैं, जिनकी भक्ति कर रहा है, उनको दंडवत भी नहीं, नमस्ते भी नहीं, कैसे हो, क्या कर रहे हो, आए हो, बैठो, कुछ देना चाहिए, कुछ नहीं, दौड़ के अंदर चला गया। तो लक्ष्मण बोलते, प्रभु ये कैसा आदमी है, आपका नाम जप रहा है, आपको देख के भग गया ये अंदर, ये किस टाइप का आदमी है, मारूं क्या इसको पकड़ के मैं, इसने जो है ना शिष्टाचार सीखा नहीं क्या कि कोई आए तो उसको आदर से अंदर लेना चाहिए, पूछना चाहिए। तो प्रभु श्री राम बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। तो दोनों अंदर जाते देखते हैं, तो वो शिष्य अपने गुरु के चरण में पड़ा हुआ है कि आपके कारण मेरे को प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए, वो आए हैं। और गुरु अपने शिष्य के चरण में बैठा है कि तेरे जैसे शिष्य के कारण देखो प्रभु श्री राम मेरे दर तक आ गए। तो दोनों एक दूसरे को दंडवत कर रहे हैं वहां। प्रभु श्री राम देख के बोले अब उठ जाओ भाई, मैं आ गया हूँ। तो ऐसा था कहानी। तो गुरु की वाणी पे और भगवान की प्राप्ति जो है ना गुरु के माध्यम से ही होती है, ऐसे नहीं होती है। जैसे जैसे गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ेगी, भगवान की प्राप्ति इजीली हो जाएगी। तो फटाफट इसको अब क्लोज करते हैं, है ना। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, नेवर एंडिंग है ना। जितनी भक्ति हम अभी करेंगे वो कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा हमारे साथ हर जन्म में रहती है। देखो कितनी अच्छी बात है। सब छूट जाता है ना, बाकी सब, पैसा, रिश्ते, जो हम कमाएं, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, सब छूट जाता है। नेक्स्ट जन्म में कुछ नहीं रहता साथ में, लेकिन भक्ति शाश्वत रहती, नेवर एंडिंग। जितनी कमाई अभी कर ली वो हमेशा आगे रहेगी, हमेशा ऑलवेज, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बाकी सब नहीं पढ़ रहा हूँ, बस आपको वो बता रहा हूँ कि जो भक्ति है जिसको राज विद्या किंग कहा गया है सारे नॉलेज का, और बाकी जो दूसरे योगों हैं उसमें क्या डिफरेंस है ना। तो भक्ति जो होती है वो सारे कर्मों को खत्म कर देती है, हमारे सारे पाप कर्म हो, जितने भी विगत कर्म का बंधन है, सारे पापों को नष्ट करने की शक्ति होती है। लेकिन बाकी जो होते हैं ना कर्म, जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग, निष्काम योग, इनमें ये सब ताकत नहीं होती। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा कि भगवान का साक्षात्कार कराती है भक्ति, है ना, वो उसमें लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाता। ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान योग में ब्रह्म साक्षात्कार कर पाओगे, ब्रह्म तक पहुंच सकते हो, लेकिन स्वयं भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते हो। और भक्ति जो होती है बहुत इजी होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बाकी सारे योग जो है ना उनको करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप उसके लिए आपको एकांत में जाना पड़ता है, बहुत सी चीजों को जीवन से निकालना पड़ता है, और अपने रिश्ते नाते, सोच, इंद्रिय तृप्ति, ये सबको त्यागना पड़ता है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यूअस होती है आफ्टर मुक्ति। अव्ययम हमने कल पढ़ा था, अव्ययम मतलब मुक्ति के बाद भी जब भगवत धाम जाएंगे तब भी यही करना है, जो आज कर रहे हैं भगवान के लिए हो तब भी वही करना है। लेकिन बाकी योगों में मुक्ति के बाद आदमी ब्रह्म तक पहुंचता है, वहां पे सारे क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं, वहां किसी से आदमी न मिलता है, न बैठता है, न सेवा करता है, न किसी की सेवा लेता है। तो ये कंटिन्यूस है, ये आफ्टर मुक्ति भी आदमी जब भगवत धाम जाता है तब भी ये चलती रहती है भक्ति, वहां पे भी खत्म नहीं होती है। और आखिरी है कि इसमें भगवान का साक्षात्कार, स्वयं भगवान की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनके साथ जो हमने संबंध स्थापित किया, चाहे दोस्त का, चाहे गुरु का, चाहे बेटे का, चाहे पति का, उस रूप में भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन बाकी सारे योगों में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स थे जो डिफरेंस के, जो बहुत जरूरी था एक समझना हमारे को इस श्लोक के माध्यम से। ठीक है, और एक चीज और थी कि अच्छा, इसमें आप पहले ना नोट कर लीजिए, कुछ श्लोकों का वर्णन है, फिर नहीं तो बाद में रह जाएगा, आप अपने लेवल पे पढ़ लीजिएगा ये सारे श्लोकों का। श्रीमद् भागवतम 1.2.20, 11.2.42, 4.31.14, 6.3.19, 2.2.34, ठीक है, और 2.2.34 तो नारद जी का हमने बताई दिया, और ये वाला भी बताई दिया था 1.2.6 जिसमें सवै पुंसाम परो धर्म यथोर भक्ति अजोक्षजे, ये वाला भी लिख लीजिएगा। ठीक है, और श्लोक नंबर 8.28 जिसमें वेदेशु यज्ञेशु, वो भी आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट है। ये सारे श्लोक इसके रेफरेंस में आप नोट कर सकते हैं, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही है। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि नारद मुनि जी के बारे में दिया है 329 नंबर पेज में, सबसे नीचे वाला लाइन, इसमें बोलते हैं, फल स्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया और उचित खाता रहते तो वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय वाला बनता गया। मतलब इसमें यह बोल रहा है कि जैसा जैसा उचित खाते गए तो जैसा ऋषि है, ऋषि के समान, मतलब सिमिलर उनका जो हृदय है, उनका जो चित्त है वो शुद्ध हो गया। बट ऊपर वाले लाइन में बोलते हैं समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया, मतलब अगर उन्होंने उस जीवन में अगर पाप किया होगा तो वो पाप कर्म का जो फल है उसको उनको नहीं मिलेगा, ऐसा मतलब बोलना चाह रहे हैं। समस्त मतलब पूर्व पापों को भी नष्ट कर दिया, समस्त पापों को नष्ट कर दिया, जो अप्रारब्ध है चाहे फलम पापम कूटम बीजम जितने भी थे वो सब नष्ट हो गए, उनके सारे के सारे पाप। एक्चुअल में ये ग्रेजुअल होता है ना, क्रम वाइज जो है ना। देखो मैं एक्चुअल में अपन इसमें क्रमणे भी प्रलीयंते जो था ना, उसमें एक एग्जाम्पल आता है, मैं समय के कारण नहीं बता पाया। जिस प्रकार एक माला देखते ना, एक माला फूलों की माला में देखते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक फूल ऐसा एक धागे के अंदर पिरोए रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे फूलों में एक साथ छेदा करके माला बनाई गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें एक एक फूल के बाद एक फूल, एक के बाद एक फूल में ऐसा सुई डाली जाती है और उसमें छेदा किया जाता है, इकट्ठे नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है ये सब में एक साथ छेदा करके माला बनाई गई है, लेकिन एक एक करके बनती है। उसी प्रकार एक एक करके ही हमारे पाप नष्ट होते हैं। जितनी जितनी प्रगाढ़ता से, जितने जितने भाव से हम इस भक्ति में लगेंगे, उतने उतनी तीव्रता से ये सारे छेदन होते जाएंगे हमारे पापों। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि अभी अगर कलयुग की बात करें तो बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, चिकन खाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अगर मान लो 100 चिकन काटे हों, 100 मुर्गी, फिर उनको इस्कॉन का सानिध्य मिला, साधु संग मिला, अब वो वैष्णव की सेवा कर रहा है जब तक वो जीवित है। 30-40 तक उन्होंने साधु संग किया, मतलब गीता पढ़ा, भागवतम किया, गीता का प्रचार किया, एकदम शुद्ध होते गया। अब क्योंकि उसने इस जन्म में 100 चिकन काटे हैं तो अगले जन्म में उसको मुर्गी बनना पड़ेगा कि उसके पाप कर्म खत्म हो गया? मैं ये पूछना चाह रहा था। ये तो डिपेंड करता है कि उसके भाव कितने वो हैं। ये तो डिपेंड करता है कि कितनी भक्ति उसने शरणागति की है। ये एक श्लोक आता है, अभी आएगा, 9th में ही आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा भजाम्य हम, है ना, अभी आएगा ना 9. कौन सा श्लोक है? नहीं 8. नहीं 9 में ही है। कौन सा है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा भजाम्य हम, है क्या किसी के सामने? 4.11 4.11 है क्या जी? ये वही है ना, जितने प्रतिशत मेरी भक्ति में आता है उतने ही प्रतिशत मैं उसके पास पहुंचता हूँ। ये वही वाला श्लोक है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते 4.11, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि हम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जितना मेरे प्रति शरणागति में आता है मैं भी उतने प्रतिशत ही उसको फल प्रदान करता हूँ। भगवान बोलते हैं जो जितना मेरे को सरेंडर करेगा मैं उतने प्रतिशत ही उसको देता हूँ। अगर आपके नाम जप में सरेंडर का भाव 10% है तो आपके पाप भी 10% तक ही खत्म हो पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। तो ये तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने भाव, कितना भाव है आप जो है ना। हमारे चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, नाम में ऐसा नाम लो कि आंख से आंसू निकल आए, पूरे शरीर से कंपन हो, है ना। हमारे सुबेरे बोलते हैं ना, अश्रु तरंग भाजे, क्या बोलते हैं, क्या है ना, संसार दावा नल लीड़े लोका प्राणा ये कारुण्य घन घनत्वम, इसमें आता है ना, कौन सा 3rd, 2nd या 3rd स्टेंजा आता है ना कि रोमांच कंपा श्रुत तरंग, हाँ रोमांच कंपा श्रुत तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद, वंदे गुरु श्री चरणा। तो रोमांच हो जाना चाहिए, पूरे शरीर में रोमांच आना चाहिए, ऐसी तरंग पूरी ऐसी कंपन आना चाहिए शरीर के अंदर, आंसू बहने चाहिए। वो भाव होता है भगवान की शरणागति वाला। क्या वो आता है? वो आता है तो आपके मुर्गे कट गए, सब खत्म, कोई जरूरत नहीं, फिर जीरो हो गया। फिर तो वो अगर नहीं आया तो अभी समय लगेगा। यही है और कुछ नहीं, कट जाएगा धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये मत सोचो कि ऐसा करना है, ये तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद धीरे धीरे ग्रेजुअली हो जाएगा। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। जो आखिरी के दो पैराग्राफ है ना, अपन ने नहीं पढ़ा क्योंकि इस श्लोक में तो और दो तीन क्लासेस लग जाएंगी, इतना मटेरियल है, इतना चीजें हैं बताने के लिए। लेकिन अगर इसी श्लोक में अटक जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। अपन क्यों इसमें तीन तीन चार चार दिन दे रहे हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और नौवा अध्याय खुद में ही बहुत इम्पोर्टेंट है ना। परम गुह्य ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान। इसमें डूब जाना है हमको, है ना। इसमें तैरना नहीं है, डूबना है, तब जाके भगवत प्राप्ति होगी। एक एक चीज को समझना है, एक एक चीज के पीछे तक घुसना है। शब्द पढ़ो, वाक्य पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो, पूरा पैराग्राफ पढ़ो, श्लोक पढ़ो, रेफरेंसेस पढ़ो, कौन सी चीज का कहाँ क्या रिलेशन है, किस प्रकार मैं और गहराई तक इसको समझ सकता हूँ, किस प्रकार अनन्य भक्ति को मैं समझूं, कैसे करनी है। बस समझेंगे तो फिर मजे मजे ही मजे आ जाएंगे, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है बाकी चीजों की। सत चित आनंद में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे अब क्लास को क्लोज करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना मेरी बातें सुनते हैं। पता नहीं कोई और तो सुनता नहीं मेरे को। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। माता जी ने शायद कोई क्वेश्चन किया है उस पर टेक्स्ट में। अच्छा किया है क्या, मैं देख लेता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या नारद जी भी बदलते हैं या एक ही रहते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर तो सच बताऊं तो मेरे को भी नहीं मालूम है, नारद जी बदलते हैं कि एक ही रहते हैं। किसी को मालूम है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। मैं कहीं पे पढ़ा था ऐसे भागवतम में कि उनका जो शरीर है वो आध्यात्मिक शरीर है। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो कोई ये तो खैर इससे आंसर का नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ कि क्या वो शरीर बदलते हैं। मेरे ख्याल से तो नहीं बदलते, क्योंकि वो परम भक्त हैं भगवान के, और वो भी आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, तो वो मेरे ख्याल से नहीं है, उनको बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे मृत्यु होती नहीं। जो ये संसार छोड़ के, भौतिक संसार छोड़ के जो वैकुंठ चला जाता है ना, उसको ये शरीर जो होता है ना, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं, उसका मृत्यु नहीं होते। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सबसे परे हो जाता है वो, तो उनका जीवन मृत्यु तो नहीं होगी और शाश्वत रहते ही हैं। कुल मिला के जो ये समझा जा रहा है चीजों के द्वारा कि शाश्वत रहते हैं, लेकिन मैंने ऐसे पढ़ा नहीं है, ये खाली मेरी सोच है, हो सकता है गलत भी हो ये। तो मेरे को ऐसा लगता है वो कभी बदलेंगे नहीं, वो हमेशा शाश्वत काल के लिए। भगवान की सेवा है ना एक्चुअल में, जब भगवान हमको ये चीज बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास आओगे तो उसके बाद दोबारा आने की जरूरत नहीं है, है ना। जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लेंगे हम लोग, ये अगर छोटी मोटी भक्ति करते हैं। तो नारद जी तो कितने बड़े भक्त हैं, उनको कहाँ जन्म मृत्यु होती होगी, और उनको तो उसके बाद भी ये वरदान है कि वो तीनों लोकों में एनी टाइम कभी भी भ्रमण कर सकते हैं। उनके पास तो इतना पावर है कि वो लक्ष्मी के पास जाते हैं, भगवान की पर्सनल सेवा करते हैं, उनका जो है ना मतलब भोजन वोजन की व्यवस्था करते हैं, सारी चीजें हैं उनके पास, सारी शक्तियां। वही एक ऐसे हैं जो वैकुंठ में बिना किसी परमिशन के उनके घर में घुस सकते हैं, उनके पास तो बहुत सारे पावर है। तो वो कहाँ से मरेंगे या उनका कैसे दोबारा जीवन होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी सोच है, ये मेरा तर्क है, ऐसा होना भी चाहिए लेकिन, पर आप और पता कर लीजिएगा सब लोग मिलके। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तवृंद की जय जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।